अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ उमर अमीर। आज इंशाल्लाह बिरयानी बनाएंगे। उसके लिए ये चीज़ें दरकार होंगी, नमक है और दो जो है इलायचियाँ हैं, बादियान है, दालचीनी है, तेज़पात के पत्ते हैं। एक गर्म पानी के अंदर ये डाल देंगे और इसके अंदर बॉईल कर लेंगे चावल। चावल को मैंने धोकर साफ़ कर लिया था और एक किलो चावल है, आप इसको साफ़ करके इसमें डाल लें। बॉईल इतना करना है कि इसकी जो बिल्कुल गले नहीं, थोड़ी बहुत इसमें कनी रहती हो। इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं और जो बिरयानी मसाला है वो बना लेते हैं। इसके लिए एक किलो चिकन मैंने ले लिया और इमली जो है वो मैंने ले ली है एक पैकेट में जो होती है, और ये कलर ले लिया मैंने ज़रदा कलर। इमली को भगो कर मैंने रख दिया है और ये टमाटर, तीन अदर टमाटर मैंने काट कर रख लिए हैं, दो से तीन अदर मिर्चें और साबुत धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च और नमक हसबे ज़ायका, अदरक लहसुन का पेस्ट रख लिया और नेशनल मसाला जो है वो बिरयानी मसाला मैंने ले लिया। इसको भी प्याज ले लेंगे और उसको तल लेंगे। ये मैंने प्याज ले लिया, दो से तीन, तीन से तीन एक अदद प्याज ले लेंगे और इनको ब्राउन कर लेंगे। अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको भून लेंगे और इसको थोड़ा बहुत कलर आने देंगे। अब इसमें ये मसाले डाल लेते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे और इसको भी भून लेंगे। ये बिरयानी मसाला जो है वो आधा मैंने इस्तेमाल किया, आधा इंशाल्लाह बाद में इस्तेमाल करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये दो से तीन अदर आलू मैंने काट के डाल दिए इसमें और इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाला तकरीबन हमारा तैयार हो रहा है, इसमें अभी चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। इसमें दही ऐड कर लेंगे, एक पाव दही डाला मैंने, अच्छे से हिला लेंगे। ये देखिए तकरीबन मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इमली जो है वो मैंने उसकी गुटियां निकाल ली थी और इमली का पानी मैंने डाल दिया, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से इंशाल्लाह रेसिपी को फॉलो करेंगे, बहुत मज़ेदार बिरयानी बनेंगी। ये हमारी मसाला तैयार हो गया और चावल हमारे बॉयल हो गए थे और अब तेल लगाएंगे इसके अंदर। चावल मैंने पहले डाल दिए और उसमें मसाला ऊपर डाल रहा हूँ और इसी के ऊपर एक और तेल लगाएंगे, उसमें चावल डालेंगे ऊपर। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। देखिए इसकी कनी टूटी नहीं है, ये साबुत है, और इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला डालेंगे और इसको दमे पे रख लेंगे। ये इसमें मैंने जो रंग था सर्दा रंग वो डाल दिया और नींबू काट के गार्निश कर लिया। अब इसको 10 से 15 मिनट जो है वो दमे पे रखना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। Thank you.